हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो ना रात से शुरू किया था, बट मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये रेसिपी मैंने मोबाइल पर ही देखी थी, यूट्यूब पर, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी रेसिपी नहीं है, अगर आप लोग अच्छी लगे तो आप लोग ट्राई करिएगा। करेले को काट कर नींबू और नमक में रख दिया था लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि इसकी कड़वाहट चली जाए। और उसके बाद इसको निचोड़ लिया है, अच्छे से सूखा हो जाए, पानी निकल जाए। और इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं डाली है, तीखी वाली। और 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, क्योंकि इसमें हल्दी ज़्यादा दिखती नहीं है, तो हल्दी भी डाली है 1/2 चम्मच। और सबको मिक्स कर लेंगे। और ये पार्वती मिक्स कर रही है, तो क्योंकि मेरे हाथ कट गया है मेरे हाथ में, तो मैं नहीं छू रही हूँ कि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द होगा, इसलिए तो पार्वती मिक्स कर रही है, मैं बताती जा रही हूँ उसको। तो ये मिक्स कर लेगी, फिर मैं बनाऊँगी। देखिए, मिक्स हो चुका है। इसके बाद कढ़ाई को गर्म कर लिया और उसमें तेल डाल दिया है। तो तेल इतना डालिए कि मतलब करेले फ्राई हो जाएँ। मैंने जब तेल डाला तो थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि मैं पहली बार ही ट्राई कर रही थी। मैंने बाद में तेल डाल दिया था इसमें और गरम करके। तो बस तेल गरम हो चुका है। अब इसमें और नमक नहीं डाला था मैंने, उसमें भूल गई थी। तो 1/2 चम्मच नमक भी डाला है और मिक्स करके बस कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको धीमी धीमी आँच में ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद कर दूँगी थोड़ा मिक्स करके, ताकि मसाले ऑब्जर्व हो जाएँ। उसके बाद फ्राई करते हुए पकाएँगे। और फ्रेंड, थोड़ी सी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, जब पूरा तैयार हो गया था, तो उसके बाद मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बना था, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन की सुबह है और नहा धो चुके हैं हम लोग सब लोग। और आज नाश्ता घर पे नहीं बनाया है, आज दही जलेबी आया है नाश्ते में। मेरा मन कर रहा था दही जलेबी खाने का, और संडे है तो सब लोग इकट्ठा भी थे, तो हमने कहा चलो आज नहीं बनाते हैं नाश्ता, आज बाहर से आता है। तो नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, मैंने कर लिया है और बाबू ने, पार्वती ने कर लिया। हस्बैंड ने अभी नहीं किया, वो थोड़े काम से वहीं पर रह गए थे, और बाबू को दही जलेबी दिलाकर घर छोड़ दिया था, और वो अभी थोड़ा काम करा रहे हैं, अपना कुछ काम हुआ है उनका। तो बस हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, ये उन्हीं के लिए रखा हुआ है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी नाश्ता करते समय, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से शेयर करना तो बनता है ना, तो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10:30 बजे का टाइम है और मौसम एकदम बिगड़ गया था, और काफ़ी तेज़ से बारिश हुई थी, बट फिर भी गर्मी नहीं ख़त्म हो रही है। इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी उतनी ही लग रही है, उमस वाली। और कल पूरा दिन लाइट भी नहीं रही, बिल्कुल हालत ख़राब रही लाइट न रहने के कारण। तो कैसा लग रहा है बताइएगा, आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है बताइएगा। देखिए बादल बादल हो रहे हैं, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। और देखिए बारिश चालू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। मैंने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया पहले, बाद में लास्ट टाइम पर किया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पानी पानी हो गया। इस समय पौधे की मिट्टी सूखी नहीं पाती है, बारिश हो जाती है। अभी 4-5 दिन बीच में नहीं हुई थी, अभी फिर से बारिश चालू हो गई है। और फ्रेंड्स, आज थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी बच्चों की, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मैं मम्मी के घर पर हूँ, पूजा हो रही है यहाँ पर, आज सोमवार है ना, इसलिए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। देखो ये नहीं सोच रहा है कि मम्मा को लगेगा, देखो क्या कर रहा है ये, देखो हार्ट बनाया, देखो इसने क्या किया, हार्ट ये देखो मेरे, देखिए ये कर रहा है,
मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मम्मा को चोट भी लग सकती है, समझ ही नहीं आता बदतमीज लड़के को। अभी भी लगा हुआ है देखो। ऑन कैमरा पिटाई हो गई, ऑन कैमरा पिटाई हो गई बाबूजी। बाबू नहीं तो अच्छा सा लग रहा पीछे देख भैया, है ना। इसको देखो सूरदास है, ये ट्रेन देखिए सूरदास, ये सूरदास है, ये सूरदास है ट्रेन। इसको ऐसे मारो और ऐसे मारो ऐसे पिटा। और फ्रेंड छत के ऊपर आई हूँ तो आप लोग को पता ही है कि मैं जब छत पर आती हूँ तो थोड़ा सा व्यू आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और देखिए इतना खूबसूरत व्यू रहता ही है कि मन करता है आप लोग के साथ शेयर करने का। छत पे जाओ ना तो मन नहीं करता है नीचे आने का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इस समय ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो वैसे भी अच्छा लगता है। और ऊपर वाली छत से तो और भी खूबसूरत व्यू दिखता है। देखिए देख कर बताइएगा कमेंट करके। फ्रेंड्स देखिए रात हो चुकी है, लगभग 8:30 बज रहे होंगे और आज मैं अपने आप को बहुत लो फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबू पढ़ाई भी कर रहा है, बाबू का थोड़ा लेट एडमिशन हुआ है ना तो वो कॉपी लेकर आता है, कोर्स पूरा कर रहा है अपना तो वो करता जा रहा है और मैं उसको बताती भी जा रही हूँ जो जो नहीं आता है, क्योंकि बच्चों की कॉपियाँ गलत लिखा होता है ना बहुत ज़्यादा। और मैं कपड़े भी तय करती जा रही हूँ, 2 दिन से मैंने कपड़े तय नहीं किए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ अपने आप को, पता नहीं क्या हो गया है। तो बस कपड़े तय कर लूँगी उसके बाद मैं सोऊँगी आज जल्दी से डिनर करके, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। और फ्रेंड्स बस आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोगों को। बाय, गुड नाइट।